कल जो मैंने ज्वाइन किया ये क्लास द कटिंग एज, कल का दिन तो मेरे लिए बहुत डेंजर था और आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कल से ज़्यादा आज का दिन बहुत अच्छा गया, ऐसे लग रहा है। कल जब मैं आया था तब डर के मारे वहाँ पे कोने कोने में ही खड़ा था। आ नहीं पा रहा था कल, मैंने ऐसा सीखा कि कुछ जो अपने अंदर जो डर रहते शर्म रहती है वो बाहर बाहर छोड़ना चाहिए। और तो आज मैं सुबह जब आया मेरे ऊपर उन्होंने एक इंट्रोडक्शन कैसे करने का, कैसे बदलाव करने का, कहानी कहानी बना बता के उन्होंने बताया। तो और कर्नल सर ने आज तो मुझे एकदम असं म्हणतात की जो काही मला माहीत नव्हतं त्या टायमिंग बद्दल त्या टायमिंगचं एवढं मस्त इतकं भारी एक्सप्लेनेशन केलं तुम्ही की ते अजून सुद्धा माझ्या डोक्यात आहे की असं भेटणं एक मुश्किल। मी एवढं खरंच नशिबान आहे की असले इथे इम्रान सरांसारखं त्यांना एवढं हे भेटलं, आणि मी नशिबान आहे की माझ्या वडिलांच्या पोटाला मी जन्म आला अशा वडिलांकडं की वडील मा वडिलांची एवढी मोठी पोस्ट हे आहे ओळख आहे त्यांच्यामुळे तर मी इथं आलेलं आहे। खरं तर मी अगोदर मी माझ्या वडिलांना फार त्यांचे फार आभार मानतो, त्यांचा फार रिस्पेक्ट करतो। अगोदर वडिलांना माझी प्रायोरिटी असेल, नंतर इम्रान सरांना, कारण की त्यांनी मला इथपर्यंत आणलं, देन तुम्ही। एवढं जर कोणी समजून सांगायचं म्हटलं तर माझ्या दृष्टीकोनातनं, आणि आज एवढं शिकून गेलं आहे तर त्याचं खरंच मी काहीतरी म्हणण्यापेक्षा खरंच याचा उपयोग करेन, कारण ते करूनच इम्प्रूव्हमेंट करूनच इथे पुन्हा येईनच। आणि इथे मी असं इम्रान सरांनी जा जसं सांगितलं कॅम्पस वगैरे होतं, मी खरंच त्या कॅम्पसमध्ये भाग घेण्याची शक्यता कारण केली, कारण की तेव्हा मी एक वेगळा कुमार होतो, आता एक वेगळा कुमार झालो। गुड, त्या हिशोबानं कॅम्पस मी खरंच अटेंड करेल एवढं बस इतना ही बोला। अच्छा, अभी आज जैसे आपने प्रेजेंटेशन स्किल सीखा, फिर आपने ग्रूमिंग के बारे में सीखा, पार ड्रेसिंग के बारे में सीखा, गोल सेटिंग के बारे में आपने कल सीखा था, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आपने सीखा, टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपने सीखा, राइट, सेल्फ अपने अंदर कैसे एक जोश भरना है, ओके, अपने बारे में अपनी पहचान कैसे करनी है, सेल्फ डिस्कवरी वो अपने कल सबसे पहले करी। आपको लगता है इन सबका आपको कुछ फायदा होगा? यस सर, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि एमपीएससी के जब हम पर्सनल इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम 75% बच्चे वहाँ पे फेल होते हैं। गुड, पास तो कोई भी पेपर हो सकते हैं बच्चा, लेकिन पर्सनल इंटरव्यू में बहुत जन फेल होते हैं। तो आपकी एमपीएससी की तैयारी कल से शुरू हो चुकी है, वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी। ये अभी इसके लिए आपने इंतजार नहीं करना, आपकी तैयारी अभी शुरू हो गई। Important points. The first impression, impress, सिर्फ 10 सेकंड में इम्प्रेस करना पड़ेगा।